दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सेवन चैप्टर स्टार्ट किया था, और सेवन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, 7.1 के बारे में डिटेल दी थी सारी की। पहले फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं कि चैप्टर से पहले मेन होता है आपका फॉर्मूले, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है चैप्टर, ठीक है। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपको मैंने 7.1 में बताया डिस्टेंस फॉर्मूला था, फिर 7.2 में आके हमने सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र पढ़ा, और उसके बाद उसी चैप्टर में हमने मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु का भी सूत्र पढ़ा। अब ऐसी 7.3 थी, 7.3 में हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आपको 3 पॉइंट दे रखे हो तो हमने निकाला, काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लास्ट चैप्टर इस लास्ट पार्ट में इस चैप्टर का क्या करना है, हमें दो क्वेश्चन करने हैं, दो रह गए थे, तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए 7.3 के। क्या बोला हुआ है कि जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके 4 पॉइंट दे रखे हों, क्योंकि हमारे पास तो क्या होता है, हमारे पास त्रिभुज क्षेत्रफल है, और जो त्रिभुज क्षेत्रफल है वो कितने पॉइंट से निकलता है, 3 पॉइंट से। यहाँ पर क्या है, 4 पॉइंट है, नो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, सिंपल सा एक चतुर्भुज यानी कि आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। चतुर्भुज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे इस टाइप से ये बन गया। कोई भी चीज कैसे भी करके डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। अब बनाने के बाद आपको नाम नेमिंग करनी होगी, ए बी सी डी कर लिया। आप डायग्राम को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तब भी कोई नो प्रॉब्लम। मतलब कैसे भी तरीके से आप बना सकते हो ट्रायंगल को, ठीक है, मतलब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप ए बी सी डी 4 पॉइंट है आपके, 4 पॉइंटों को आप लिख लोगे यहाँ पर। 4 पॉइंट निकाल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, 4 पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको ए बी सी का क्षेत्रफल 3 पॉइंट से निकलाएगा, वही वाला फॉर्मूला बड़ा वाला, जो आपका त्रिभुज क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3, मतलब ब्रैकेट में प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाना पहले, उसके बाद इसमें लगाना, और लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, उन दोनों को जोड़ देना होगा। जोड़ने के बाद, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पार्ट निकाला, ये वाला पार्ट निकाला, दोनों ऐड कर दिया, वो क्या हो गया आपका चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये आप कर लेना, क्योंकि आपको वही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया क्या है, हमने 9th में पढ़ा था किसी त्रिभुज की एक माध्यिका होती है, माध्यिका मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसे बराबर क्षेत्रफल भागों में दो त्रिभुज के विभाजित करती है। दो त्रिभुज में कैसे विभाजित करेंगी, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी से हमने नाम दे दिया, अब हमें इसमें दो पार्टों में डिवाइड करना है, ऐसे ट्रायंगल बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंटों से, ए और बी पॉइंट से क्या करेंगे, हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से। जब मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये दोनों, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सपोज करो ये पॉइंट आ गया हमारा क्या डी, डी निकालने के बाद ये लाइन क्या होगी आपकी, ड्रॉ होगी, यानी ये पार्ट हो गया अलग और ये पार्ट अलग हो गया, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, यानी जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो अगर ये निकालेंगे इसका आंसर, यानी जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, अगर वो नेगेटिव में भी आता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो ऋणात्मक होता है आपका उसको हम क्षेत्रफल में नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम ये भी और ये भी इस तरीके से ए डी सी और सी डी बी या बी डी सी कुछ भी ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर इस तरीके से फिनिश हुआ, 7 चैप्टर, ये आपकी क्लास 10th का बहुत मेन चैप्टर था। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद इसमें आप ये चैप्टर जो था इसमें दो क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन 7.1 और 7.2 से अगर नहीं आते तो 7.3 में से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम है, HBSE और CBSE के लिए, दोनों के लिए मेन है। इसके बाद आगे अगर आपको
वीडियो में कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम लगे, कोई मिस्टेक आए या कोई आपको कुछ और पूछना हो तो आप उसको कमेंट करें, पूछें आप उससे। और आप कोई भी चीज़ चाहते हो आगे की कोई चैप्टर और चैप्टर नया आए मैथ्स का, या फिर आप साइंस की वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें बताइए। ओके।